साथ आप सबको और आपके परिवारजनों को मेरी ओर से नव वर्ष की शुभकामना। आप इस कड़ाके की ठंड में यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। सम्मानित मंच और जिले से आए हुए हर वो व्यक्ति, हर जिले से आया हुआ हर वो शख्स जो जन सुराज की सोच से जुड़ा है या जुड़ना चाहता है, मैं आप सबका अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, दल नहीं बनाए हैं और ये पूरा अभियान वोट मांगने का अभियान नहीं है। पैदल चलते हैं, आदमी को हक और ये भाई वोट मांगत नहीं कौन तो पैदल कहे के चलता। क्यों संकल्प लिए हैं कि पूरा बिहार, गांव शहर कस्बा पंचायत पैदल ही चलकर जाएंगे। करने में 5000 किलोमीटर चलना पड़े, एक साल लगे या 1.5 साल लगे, पैदल ही करेंगे इसको। कि काहे के संकल्प लेने वाली, हमारा पैदल चलने से तरह गरीबी ना दूर हो, हमारे पैदल चलने से आपकी शिक्षा व्यवस्था बच्चों की ठीक नहीं होगी, हमारे पैदल चलने से आपका भ्रष्टाचार से वास्ता कम नहीं होगा, हमारे पैदल चलने से आपका यूरिया नहीं मिलेगा सही दाम पर, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो हम पैदल काहे को चलकर। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिस राज्य के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखने तो सही कि अपराध से किस तकलीफ में, जाकर देखें तो सही कि आपके बच्चे कितने स्कूल में पढ़ते, आपके बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं वहां टीचर है कि नहीं, बिल्डिंग है कि नहीं। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, जिस अस्पताल में आप जाते हैं वहां डॉक्टर है कि नहीं, दवाई मिलती है कि नहीं। जिन खेतों में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं, जो फसल आप उगाते हैं उसका दाम मिलता है कि नहीं, जो सरकारी योजनाएं हैं आपके नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है वो आप तक पहुंचता है कि नहीं, ये देखने के लिए पैदल चल रहे, समझने के लिए पैदल चल रहे। पैदल इसलिए भी चल रहे हैं कि जाकर आपको बताएं कि आपकी ये जो समस्या है इसका निदान कैसे हो सकता है। समस्या तो वो पहले ही से मालूम बा, हम पैदल चला करी तो हमारा पता चली कि नहीं जाएगा कितना भ्रष्टाचार बा, हम पैदल चल रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि आपका यूरिया 277 का 800 में मिल रहा है, हम पैदल चल रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि आपका 2000 का धान आप 1400 में बेचे हैं, कि 5 किलो अनाज नहीं थे मिला 4 किलो मिला था, रसीद कटावता नहीं तो मेरा लागत तो पैसा 2000 से 3000 रुपया, कोई काम आपका बिना भ्रष्टाचार पैसा दिए बगैर नहीं हो रहा है, बात तो पता चल रहा है। लेकिन हम तो आज आई वाली रोहा कहीजे रहता नहीं भाई, आपको तो पहले से पता है तो ये सुधार क्यों नहीं रहे हैं, ये आपको बताने आए हैं। वोट नहीं मांग रहे हैं, गांवे गांव जाके लोग के हाथ जोड़ता भी, अरे भाई अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अगर आप नहीं सुधरिएगा, आप नहीं जगिएगा, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं कीजिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपकी जिंदगी बीती है उसी गरीबी बदहाली में आने वाली पीढ़ी और बच्चों की भी जिंदगी बीतेगी, कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा।
देखिए हमनी के जहां बिहार में जाता नहीं जा सभी कहता कि कितना भ्रष्टाचार बा, पढ़े की व्यवस्था नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, शिक्षा नहीं थे, कृषि नहीं थे, पानी नहीं थे, रोजगार नहीं थे, सब आदमी बतिया हुआ था। लेकिन जैसा वोट होता रे भाई ये सब बात भुला जाता। बिहार में वोट के दिन का आदमी बेचारे को बात याद था, पहला बात याद बा हमार जात का बा कि हमार जात के खाना बचलो उनको वोट दे दिया। ये जात से बच जाता तो उकरा के भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान बना के वोट दिया था। ये दोनों से बच जाता तो कहता कि भैया जाए भी तो दोनों खराब बानो और लालू जी के जो जंगल राज रहे अपराध वाला वो ना चाहिए, तो लालू जी के जंगल राज से डर के जाकर भाजपा को वोट दे रहा। और चौथा हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग भैया काम करी बिहार में भाजपा के तो वोट ना दे सकी। अब बिहार में तो ये को दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, दूसरा लालू जी का लालटेन, नीतीश कुमार का तो कोनो दल नहीं बचा। ये कभी लालटेन पकड़ के लपटी हम, कभी कमल के फूल पर बैठ के पवारी हम, पते नहीं थे कि रही हम के लिए। हमारे मुसलमान भाई लोग भाजपा के डर से कहता है कि अब जी चाहे मारी यह लालटेन लोग बताएंगे के वोट दी। आज कहता कि भैया पढ़ाई नहीं के हो कहा गाँव में जाता है भैया, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त बा, अपने काम पर जरा कभी शिक्षा के वोट दिए हैं, काहे शिक्षा आपका सुधरेगा भाई? आप वोट दिए हैं भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो जैसे ही टीवी खोला था तो भारत पाकिस्तान रोज बतावा जाता। आपने वोट दिया है गुजरात के विकास के लिए, तो गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है। आप बिहार के लिए वोट कहां दिए? याद माना लोकसभा के चुनाव आदमी कहा कि भूला है एमपी के एमपी के कैंडिडेट, मोदी जी के देखो, देश को देखिए, पुलवामा को देखिए, वोट जाके दे दिए। अब कहता नहीं कि चीनी मिल चलते नहीं थे, तो चीनी मिल को वोट दे ले रही। आपने वोट दिया था कि हम एमपी के नहीं देखा, हम तो मोदी जी के देखा था, मोदी जी के देखा था नहीं तो गुजरात के देखी, अब आपन बली कहे के देखा था नहीं। यही बताने चले हैं कि आप इस भ्रम में मत रहिए कि कोई नेता आकर बिहार को सुधार देगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप ये संकल्प नहीं लीजिएगा कि हम अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता। आदमी बहुत कि प्रशांत किशोर राय मारो बड़ा होशियार आदमी मारो ये ठीक करती हो, हम आपको मंच से कह रहे हैं, जो मंच पर खड़ा होता है वो ये न कहता है कि हमारा के वोट दे दो हम आपको ठीक कर दे। हम आपको कह रहे हैं कि हम पर भरोसा करके वोट दीजिएगा तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। जो आदमी ये दल ये दावा कर रहा है कि हम बिहार को ठीक कर देंगे, तो लिख के रखी दुए को बात हो सकेगा। या तो आदमी मूर्ख है, उसको पता नहीं है कि समस्या कितना बड़ा है, या फिर सिरे से सबको मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप ये संकल्प नहीं लीजिएगा, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता। राहुल लड़का पढ़त नहीं थे, खिचड़ी खाता वो पीड़ुआ वाला, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपका लड़का पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, आपको वो दिखिए नहीं रहा है। रवत जात और धर्म में अधुराई मानी, कभी लालू जी के डर से भाजपा के वोट देता नहीं, कभी भाजपा के डर से लालू जी के वोट देता नहीं, तो सुधर सकेगा? आप अपने लड़के की चिंता नहीं कीजिएगा तो प्रशांत किशोर आपके लड़के का चिंता करेगा? यही बताने के लिए पैदल चल रहे, गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं। संकल्प लीजिए कि हम अपने और अपने बच्चों के लिए वोट देंगे,
अपने बच्चों के पढ़ने के लिए वोट देंगे, उनके रोजगार के लिए वोट देंगे। आपने जिसको वोट दिया है तो गुजरात में हो रहा है ना विकास भाई, गुजरात में एक शहर है सूरत, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, यहीं पर 20-25 वर्ष पहले प्लेग फैला था, इंग्लैंड नहीं था सूरत। आज उसी सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूर है, मजदूरी करता है। आपको हमको सोचना चाहिए ना कि भाई बिहार का आदमी कौन पाप किया है, बिहार में दूसर को फैक्ट्रिया लगवा देते, हमी के कौन पाप पे ले भागेगा। आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि क्यों यहाँ फैक्ट्री नहीं लग रही है। फैक्ट्री इसलिए नहीं लग रही है कि पूरे भारत में सबसे सस्ता मजदूर हम लोग भेज रहे हैं। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो 12,000 रुपया में 12 घंटा काम करे वाला मजदूर गुजरात में मिलेगा कहां से? इसीलिए नहीं लग रहा है फैक्ट्री। काहे लगाएगा फैक्ट्री भाई? फैक्ट्री आपके पैसे से लग रहा है गुजरात में, आपके वोट से काम हो रहा है गुजरात में, और आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बन रहा है और आपको आंख से दिखिए नहीं रहा है तो कैसे सुधरेगा भैया? सुधर सकता है? हमने के जाता नहीं जब बहरी तो बहुत बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी शब्द गाली बन गया है। जहां जाइए कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ, हम लोग सब बेवकूफ आदमी हैं। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने बच्चों के लिए जगिए, यही व्यवस्था और नई व्यवस्था बनाइएगा तो जो बच्चे बाहर आज बिहार के जाकर मजदूरी कर रहे हैं वही बच्चे आकर बिहार में रोजगार लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और यहाँ पर उसको चलाएंगे। अपने बच्चों के लिए जगिए, इसलिए पैदल चल रहे हैं। पर आए कि भैया प्रशांत किशोर के क्या इज्जत मौजूद बा, हमारा कोई वजूद नहीं है, लेकिन हम इसी मिट्टी में जन्मे हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे, पढ़े लिखे हैं तो मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। जब राव लेकर पढ़ते नहीं थे तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ना भाई। जहां नेता मिल गएगा तो कह सकते भीख मांगे की आदत हो गई बा, ए भैया हमारा है नली बनवा दी, ए भैया हमारा अनाज दिलवा दी, ए भैया छप्पर सवार दी, ए भैया घर दिलवा दी। अरे आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने अधिकार दिया है, आप जिसका बटन दबाते हैं वही राजा बनता है, वही मुखिया बनता है। जैया वोट देता नहीं, जैया रवा राजा बने के होता वो दिन रवा भिखारी बन जाता नहीं, तो 5 वर्ष रवा भिखारी बन के रह पड़ता। जिस दिन वोट होता है उस दिन ना आपको जगना चाहिए। हमने के 5 वर्ष को दिया होता नहीं जा, जैया वोट होता उस दिन गलती कर देता नहीं जा, यही मुसीबत था। आदमी कहते कि भैया ये बात ठीक था लेकिन बिहार में विकल्प ना रहे, ये जो दल है वो नागनाथ सांपनाथ दोनों है, जिसको पकड़ रहे वही काटता है, केकरा के वोट दिया हो? आदमी कहते बेरोवा है तो निरोवा दल बनाई, आप आगे चलिए तो हम लोग पीछे चलेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि हम दल क्यों नहीं बना रहे, दल इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमारे दल बनाने से कोई भी विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में दल कैसे बनेगा? ये दल बना ले वे हो गए दल के नेता। आइयो कहल कि हमारा बाप भोजन हमारा बेटा, आ कुल जरा तुम लोग बिहार का आदमी झंडा लेकर ढोआ जा हमारा पीछे, वो विकल्प नहीं है। विकल्प तब होगा जब महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल के समाज से अच्छे लोगों को निकाल कर सबको एक जगह लाया जाए, और आप सब मिलकर अगर विकल्प बनाएंगे तब वो विकल्प बनेगा बिहार का। यही से हम रोज कहिला कि हम जन सुराज के नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं, इसके गारंटर हैं, आपके आशाओं के, आपके अपेक्षाओं के गारंटर हैं। जिस भावना से,
इस आशा अपेक्षा और विश्वास से इस कड़ाके के ठंड में आप यहाँ आए हैं। इस विश्वास के साथ धोखा ना हो इस बात के गारंटर हैं। आपके साथ धोखा नहीं होगा, इसलिए यहाँ खड़े हैं। इसलिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के सब कुछ अपना जीवन का दांव पर लगाए हैं बिहार में। बिहार के लोगों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, इस बार वो टूटना नहीं चाहिए, इसलिए इतना प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार में आवे तो रहे तो आज फोन करो तो काले रोड़ा सरकार में हम शपथ ले लोग को। हमको सरकार में नहीं जाना है, हमको ये व्यवस्था बनानी है, ऐसी व्यवस्था जो बिहार के सही लोग मिलकर बनाए और आगे इसको मिलकर चलाए। किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, किसी दल के, किसी जाति की पार्टी नहीं, किसी परिवार की पार्टी नहीं। दल होना चाहिए उन सारे लोगों का, इसको मिलकर बनाएंगे आप जैसे लोग। हम ही अगर करने तो बहुत आदमी बहुत काल हम मीटिंग करो नहीं तो कॉल के बिहार ना रहो तो फिर गड़बड़ा आ जाए। हम आपको बता रहे हैं इस दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जिस पर सबका भरोसा है। ऐसा नहीं कि हम बनवा रहे हैं तो हम ही इससे नेता बन जाए। बिहार में काबिल लड़कों की कमी नहीं है। महात्मा गांधी कहां बने अध्यक्ष कांग्रेस के, एक बार बने थे। कांग्रेस नहीं व्यवस्था चली, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, आजादी की लड़ाई लड़ी गई। उसके लिए मत चिंता कीजिए, आदमी बहुत बार सही आदमी को ढूंढता नहीं। हम आपको बता रहे हैं, हम जब चले थे पदयात्रा पर तो हमारा अनुमान था कि हर जिला में 500 आदमी को हमको निकालना है। अभी पश्चिम चंपारण के हमारे साथी बैठे हुए हैं बगल के स्टेज पर, हर ब्लॉक से 20 आदमी, हर प्रखंड से 20 आदमी निकालने के लक्ष्य लेके चल रहे। पश्चिम चंपारण में पदयात्रा खत्म हो गई तो पदयात्रा जब खत्म है तो गरीबों में 9000 आदमी मिलल रहा। अब पदयात्रा जब करके निकलनी तो बहुत आदमी के चिंता रहे कि जब भैया पदयात्रा खत्म हो जाए तो पश्चिम चंपारण में आग के जला के कैसे रखल जाए। आपको बता रहे हैं कि हम घूमत आनी पूर्वी चंपारण में, आप पश्चिमी चंपारण के 9000 की संख्या बढ़ के हो गए 45,000। 45,000 लोगों ने संस्थापक सदस्य बनने के लिए जुड़कर, जन सुराज से जुड़कर अपनी भावना व्यक्त की है, अपना नाम लिखाया है, अपना नंबर दिया है। हमको जांचिए, परखिए, हम अगर सही लगे तो हम हमको इसमें संस्थापक कराइए। 45,000 खाली पश्चिम चंपारण से। अब आपको भरोसा दिलाकर जा रहे हैं, पूर्वी चंपारण का भी 5 दिनों पानी, अगले 1 महीने में आप देखिएगा कि पूर्वी चंपारण में कोई आदमी जो सही आदमी है उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओकरा घर पर धरना देवे पड़ो कि पैर को गिरे पड़ो, सबको जोड़ कर लाएंगे कि आइए अपने और बिहार के बच्चों के लिए आइए। बिहार की व्यवस्था, अगर आप बिहार को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आइए, और बाकी सब चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमको उतनी शक्ति है, एक बार जिसको समाज चुन कर निकाल देगा उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत शक्ति पैसा बुद्धि लगाएंगे और उसको आपके सहयोग से जिता कर लाएंगे। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार अगर बदलना है तो हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य जीत कर आने चाहिए, 5,000-6,000 अच्छा आदमी मुखिया और सरपंच बनना चाहिए। जब जिला परिषद अच्छा बनेगा, जब प्रमुख अच्छे लोग बनेंगे, जब 150-200 अच्छा विधायक बनेगा, तब न बिहार सुधरेगा। खाली मुख्यमंत्री बदलने से सुधर सकता है बिहार, इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। पूरा बिहार में 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों को आप चुनते हैं, 1.5 लाख में एक आदमी को आप मुख्यमंत्री को रोज अटके हुए। 1.5 लाख आदमी अगर सही लड़ेगा, वो सही चुन कर आएगा, तब न बिहार सुधरेगा। यही से निकल पानी गांव गांव जाके आदमी निकालो तानी, एक राज्य समाज कहता कि ना भैया आदमी अच्छा है, बहुत गरीब लड़का है लेकिन बहुत अच्छा आदमी है,
उसको आगे बढ़ाना है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है जो आपको बता रहे थे, आपको हाथ जोड़कर बताना कि आप ही सिर्फ बिहार को सुधार सकते हैं, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए संकल्प लीजिए कि आप इसको सुधारिएगा। और दूसरा, आपको गलत आदमी को न चुनना पड़े, इसलिए समाज से सही लोगों को चुनकर निकाल रहे हैं, उसका एक समूह बना रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म होगी तो सबको एक साथ बैठाएंगे। जैसे आज जब कोई दल बन गया कुछ आदमी हमी के बैठना था 500 को, 2,500 आदमी बैठा होगा। पूरा जब बिहार खत्म होगा तो हमारा संकल्प था कि 10,000 अच्छा आदमी को चुनकर ये दल बनाया जाए, वो संख्या 1,00,000 हो गई। अभी आपको बता रहे हैं कि खाली पश्चिम चंपारण में वो संख्या 45,000 है। जरा सोचिए कि पूरा बिहार घूमेंगे तो कितना लाख आदमी हो जाएगा। सबको एक साथ बैठाएंगे और सब लोग मिलकर अगर विकल्प बनाना है, दल बनाना है तो बनाएगा, तब तो बिहार सुधरेगा। आदमी को हद है कि प्रशांत किशोर चलो बड़ा नाम रहे भैया, कोई अगुआ चाहिए। हम आज चल रहे रोड पर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया मर गए तो आप अपना जिंदगी नहीं सुधारिएगा, आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होइएगा। प्रशांत किशोर रहे चाहे नहीं रहे, आप इस पर टिके रहिए। प्रशांत किशोर का दल नहीं है, ये बिहार के हर उस लड़के का दल है, हर उस लड़के का प्लेटफॉर्म है जो बिहार में ये चाहता है कि बिहार में विकास हो, जो जिसकी ये मंशा है कि बिहार के लड़के पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और आप भी ये संकल्प लीजिए। और तीसरा, जो काम करता नहीं, गावे गावे जाता नहीं, आम हमने के सब जाग कोई अपन यहाँ आदमी के विकल्प कौन लोग कहकर वो सुनियो देनी, तो काम करे खातिर योजना तो होके के चाहिए। तो पदयात्रा का एक उद्देश्य ये है कि जो गांव गांव चलत अभी जहाँ जाता नहीं वही हो, जहाँ नहीं की जाता वही हो, हमारे साथ 500-600 आदमी देश विदेश के लोगों को जोड़े हैं और सारा समस्या को नोट करा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, ताकि हर पंचायत के विकास का 10 साल का योजना बनाया जाए। आपका जो समस्या है उसको लिखिए रहे हैं, सड़क टूटी है वो बनना चाहिए, लेकिन वो समस्या का समाधान है वो विकास नहीं है। आप जब पदयात्रा खत्म होगी तो बिहार के सारे पंचायतों का 10 साल का विकास का योजना बनाकर जारी किया जाएगा। आपके पास अवसर होगा ये देखने का, जानने का, समझने का कि आपके गांव, आपके वार्ड, आपके पंचायत के लिए जन सुराज की अगले 10 साल की क्या योजना है। खाली नहीं बताएंगे कि सड़क बना देंगे, नाली बना देंगे, योजना में ये भी लिखा होगा कि आपके बच्चों के पढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था आपके पंचायत में कैसे की जाए। उसमें ये लिखा होगा कि आपकी खेती किसानी करने वाले लोग की आमदनी को आपके पंचायत में कैसे बढ़ाया जाएगा। उसमें ये लिखा होगा कि आपके पंचायत में 500 से 1,000 रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, ताकि किसी नवयुवक को मजबूरी में बाहर जाकर 15,000-12,000 के लिए बाहर जाकर मजदूरी न करना पड़े। खाली ना कहो कि 10,00,000 नौकरी दे दे, तो कहे वाला कोई नहीं, तो बैठल वाला जा। आपको उसकी योजना बताएंगे कि कैसे इसको किया जाएगा। पदयात्रा के बाद आपके पास अवसर होगा, देखी समझी, ठीक लगे तो अपनाइए, नहीं ठीक लगे तो जिसका घटा लेके ढो रहे उसको ढोते रहिए। यही तीन काम लेकर चले हैं, प्रयास हो कि ना हो को इतना धीरे से ना, हम नीचे गांव गांव चलो तभी तो हर जगह वोट करवाएगा। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना है मुंह से भी और हाथ से उठा के भी। घटना मीडिया वाला है और सब कैमरा लगा हुआ है, रुक जाइए अभी सवाल पूछ लेने दीजिए। पिछले 30-40 सालों में आपने जिसको भी वोट दिया है सबने आपको ठगा है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर अपना और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना विकल्प बनाए। आप बताइए बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प
बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? पूरा जोर से बोलिए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आदमी को आता ये भैया इतना तो बुझाता और तो हम ये कहोगे कि चाहिए जनता कहोगे कि चाहिए, लेकिन चुनाव कैसे जीत जाए? हमने के गरीब आदमी इतना बड़ा बड़ा दल नेता है, हम लोग कैसे जीतेंगे? तो आप तो बता रहे हैं जंग बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा तो कोई समीकरण कोई दल आपके सामने टिक नहीं सकता। आप दूसरी बात समझ ली कि हमारा के जाना था प्रशांत किशोर के ओकरा मालूम बा ये लड़का को और कुछ आए चाहे नहीं चुनाव लड़ाने आता है। 10 बरस में जो बड़ा बड़ा दल का नेता जिसको मान रहे हैं उसको तो हम चुनाव लड़ा रहे थे। 10 बरस में आपके आशीर्वाद से बिहार के ईश्वर के जिसका भी हाथ पकड़ा है वो कभी चुनाव नहीं हारा है। इस कार्यदल का हाथ नहीं पकड़े हैं, किसी दल का हाथ नहीं पकड़े हैं, किसी नेता का हाथ नहीं पकड़े हैं। इसका संकल्प लिया है बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी आप चुन कर निकाल दीजिएगा भरोसा रखिए आपको हारने नहीं देंगे। कितनी मजबूती से लड़ाएंगे, कितनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। जय बिहार। बिहार के आदमी में हतरे तो बा, जय बिहार।